नमस्ते दोस्तों, ज्ञानसर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिग के बारे में, जिसको अंजीर भी कहा जाता है। ये एक ड्राई फ्रूट है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्राई फ्रूट है। काफ़ी ज़्यादा लोग इसको न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, और अंजीर को किस तरह से आप खा सकते हैं, इसको अपने डाइट में ले सकते हैं उसका बेनिफिट पाने के लिए। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें जानना है तो आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। अंजीर का साइंटिफिक नाम है फिकस करिका। इसका फल और पत्तों को असल में यूज किया जाता है न्यूट्रिएंट्स के लिए और बहुत सारे बीमारियों को ठीक करने के लिए। खास करके ये डाइजेशन को प्रमोट करता है, आपका जो पाचन शक्ति है उसको ठीक कर सकता है। ये आपका हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारी को ठीक करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को भी मैनेज करने में मदद करता है, और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं फिग के। अगर आप 40 ग्राम फिग यानी कि 40 ग्राम अंजीर दिन में खाते हैं तो आपको उससे 30 कैलोरी मिलता है। प्रोटीन आपको 0 ग्राम्स मिलते हैं, फैट 0 ग्राम्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलेंगे 8 ग्राम्स, फाइबर 1 ग्राम मिलेंगे, और कॉपर मिलेंगे 3% ऑफ द डेली वैल्यू। डेली वैल्यू का मतलब होता है आप दिन में जितना चाहिए उसका कितना परसेंट आपको मिलता है। मान लो आपको 100% चाहिए प्रतिदिन, तो कॉपर आपको 3% मिलेंगे उसी का 40 ग्राम अंजीर से। मैग्नीशियम 2% मिलेंगे, पोटेशियम मिलेंगे 2%, राइबोफ्लेविन 2%, थायमिन 2%, विटामिन B6 3% और विटामिन K 2%। ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे 40 ग्राम्स अंजीर से। फ्रेश फिग अगर आप खाते हैं तो इसमें क्योंकि नेचुरल शुगर है आपको कैलोरी मिलेंगे, लेकिन अगर आप ड्रायड फिग्स खाते हैं जो सूखे होते हैं वो वाले अंजीर खाते हैं तो आपको इससे कैलोरी ज़्यादा मिलेंगी। तो आप अगर शुगर का पेशेंट है, आपको अगर हाई ब्लड शुगर है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फ्रेश फिग खाएँ, क्योंकि वहाँ कैलोरी ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ड्राई अंजीर में शुगर कंसेंट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ आपको कैलोरी ज़्यादा मिलेगा। और फिग्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो है कॉपर और विटामिन B6। सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट इसमें मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में कॉपर और विटामिन बी सिक्स ही मौजूद है। कॉपर का बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि कॉपर मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और एनर्जी प्रोडक्शन में भी मदद करता है, हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है, और बहुत सारे ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं हमारे ब्रेन में, उसको बनाने में भी मदद करता है। और विटामिन B6 के भी कई सारे फंक्शंस हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है और नया प्रोटीन्स बनाता है, जिससे कि आपके ब्रेन का हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन B6। तो ये दोनों ही न्यूट्रिएंट्स आपको ज़्यादा मात्रा में आपको मिल रहे हैं फिग से। अंजीर आपका डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। असल में सदियों से लोगों ने इसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए यूज करते आ रहे हैं, और ख़ास करके कॉन्स्टिपेशन यानी कि कोष्ठकाठिन्य को ठीक करने के लिए इसको यूज करते आ रहे हैं, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अच्छा है। आप अगर इसको लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने की समस्या नहीं होगी। अंजीर आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी कि आपका हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एक स्टडी किया गया जिसमें कुछ रैट्स लिए गए जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई था, उन्हें फिग यानी कि अंजीर का एक्सट्रैक्ट दिया गया, और देखा गया कि उनका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल आ गया है, जो भी ब्लड प्रेशर उनमें हाई था वो नॉर्मल आ गया है। और कुछ एनिमल स्टडीज़ भी किए गए हैं जिसमें देखा गया है कि अंजीर का जो पत्तों का एक्सट्रैक्ट, फिग का जो लीफ एक्सट्रैक्ट है उसको देने के बाद कुछ एनिमल्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल सही हो गया, जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो कम हो गया, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल हम जिसको कहते हैं जैसे कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि HDL कोलेस्ट्रॉल, वो बढ़ गया। उससे पता चलता है कि ये आपका हार्ट हेल्थ के लिए यानी कि आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अंजीर के पत्तों में और अंजीर के जो प्लांट है उसके जो लैटेक्स हैं उसमें पाया गया है एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, मतलब होता है एंटी कैंसर एक्टिविटी, और ये खास करके ह्यूमन कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर,
और लीवर कैंसर में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अंजीर आपके स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, और ये खास करके उनके लिए ज़्यादा बेहतर है जिन्हें स्किन का प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एलर्जिक डर्माटाइटिस, और जिनका स्किन जो है वो ड्राई रहता है, इची स्किन यानी कि खुजली होता है स्किन में, और एलर्जीज होता है स्किन में। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप फीक लेते हैं, अंजीर का सेवन करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अब जानते हैं अंजीर का साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। वैसे अंजीर का कोई खास साइड इफ़ेक्ट्स है नहीं, खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स, बस ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, यानी कि आपका जो कोष्ठकाठिन्य है उसको ठीक करता है। इसी वजह से ये कभी कभी आपको डायरिया भी कर देता है, यानी कि स्टोमेक अपसेट भी हो सकता है कभी कभी अंजीर खाने की वजह से। और अंजीर में विटामिन के का मात्रा ज़्यादा है, और शायद आपको पता होगा विटामिन के जो है हमारा ब्लड को कोएगुलेट करने में मदद करती है, यानी कि खून को जमा करने में मदद करती है। तो आप अगर इसी के साथ कोई ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, आपका खून को थीन करने वाला, पतला करने वाला कोई दवाई ले रहे हैं, तो शायद उसका इफ़ेक्ट कम होगा अगर आप उसको फीक यानी कि अंजीर के साथ ले रहे हैं। तो इसी वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप कोई ब्लड थिनर्स यानी कि खून को पतला करने वाला दवाई खा रहे हैं, तो उसके साथ फीक को इंक्लूड ना करें। अब जानते हैं अंजीर को कैसे आप अपना डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, फ्रेश फीक जो होता है उसमें कैलोरी कम होता है, तो ये बहुत ही अच्छा स्नैक हो सकता है आपके लिए, खास करके उनके लिए जो हाई ब्लड शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए। और ड्राई फिक्स भी आप ले सकते हैं अपने डाइट में, लेकिन इसको आप मॉडरेशन में खाएं, क्योंकि इसमें कैलोरी ज़्यादा होता है। आप फिग लीव्स भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। वैसे अंजीर के जो पत्ते हैं वो आपको ऐसे मिलेंगे नहीं, आप ऑनलाइन स्टोर से इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपके लोकेलिटी से मिलता है तो आप उसको रॉ फॉर्म में आप ले सकते हैं। इसको आप अपने राइस में, दाल में और जो भी डिशेस हैं उसमें इंक्लूड करके आप अंजीर के पत्तों को ले सकते हैं। फिग लीफ टी भी आप यूज कर सकते हैं, अंजीर के पत्तों का चाय आप बना के पी सकते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन स्टोर से अंजीर का पत्ते का जो पाउडर है उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप खुद से अपनी लोकेलिटी से ले सकते हैं, उसको ड्राई करके उसका पाउडर बना करके उसको चाय भी आप बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, आप अगर अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो इसके इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं आपको मिलेंगे, और इससे आपको बहुत सारे बीमारियों से छुटकारा भी मिल सकती है। तो ये सारा डिटेल्स मैंने इस वीडियो में आपको बताया। तो इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट्स है तो मेरा इंस्टा हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरा फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इसको लगा कि आपको इसको शेयर करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना, और हमारे ज्ञान सर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे ही जानकारी वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।